दोस्तों नमस्कार, जय श्री। कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद में आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत मजा आ रहा है। हालांकि मैं सोशल मीडिया से ज्यादा टच में रहने वाला आदमी नहीं हूं, पर मुझे आज बहुत ज्यादा उत्साह है। धन्यवाद करना चाहूंगा यूएसए का, यूएस का, जिन्होंने ये अपने को मौका दिया। समय हमेशा परिवर्तन होता है, समय के साथ में जो लोग बदल लेते हैं और हमेशा जीवन में बहुत दूर तक और बहुत आगे तक जाते हैं। आज मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहूंगा तीन चरणों में। सबसे पहले मैं उस कंपनी की बात करूंगा, फिर मैं मेरी बात करूंगा कि मैंने इस बिजनेस में कैसे किया और क्या मिला, और फिर मैं आपके लिए बात करूंगा कि आप इस बिजनेस में है तो आपकी गोल क्या होनी चाहिए और आपको काम कैसे करना चाहिए। विश्व शर्मा जी की बहुत सारी बातें मुझे याद है, और जीवन में जो कामयाबी, जीवन में जो उत्साह, जीवन में जो एनर्जी, जीवन में जो ड्रीम बने हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में बने हैं। पहले तो ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है बढ़िया, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में लगा कि बहुत कुछ खाली है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी जिंदगी में जब अभाव होते हैं बहुत तकलीफ होती है। 96 में मेरी मम्मी बीमार हुए थे और मैं उनको बीकानेर लेके गया था। कैंसर था उनको, ट्रीटमेंट के लिए जब मैं गया तो मुझे पता चला कि जो जिस तरीके का इलाज मुझे करवाना चाहिए वो मैं करवा नहीं पा रहा हूं। एक दर्द ने जन्म लिया, एक अभाव ने जन्म लिया, कुछ करना चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस की जो मेरी मुलाकात हुई वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होती है। अक्सर जैसे लोग इसको सुनते हैं और छोड़ देते हैं, मुझे भी किसी ने बताया, मैंने इस बिजनेस को देखा छोड़ दिया, मगर ये ऊपर वाले का कोई जोक है या मेरे गुरु की कृपा की बीसी छाबड़ा जी से मेड़ता सिटी के बस स्टैंड के ऊपर 5 मिनट की एक मुलाकात थी। वो जोधपुर जा रहे थे और उनके बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि जिंदगी में जो कर रहे हो करते रहो, अगर अवश्य कभी कभी आते हैं उनको देख लेना चाहिए। उस 5 मिनट की मुलाकात ने उनसे मिलने के लिए मुझे प्रेरित किया। मेरा नाम राजाराम सहारन है, राजस्थान की ठीक बॉर्डर पर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रायसी नगर के पास में मेरा गाँव है लिखने वाला, वहां का मैं रहने वाला हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद एक पेस्टिसाइड कंपनी में आया। क्योंकि काम करने की लगन पहले से थी, ईमानदारी से काम किया और मेरा प्रमोशन होता गया। बायर इंडिया लिमिटेड के अंदर मैं श्री गंगानगर के अंदर सेल्स ऑफिसर था और डेपोटेशन पर मुझे 2001 के अंदर मेड़ता सिटी जाना पड़ा। वहां पर जब मैं किसी खेत में गया तो किसी आदमी ने मुझे, एक किसान था, उसने बोला कि ये डब्बा है और इसके अंदर कपड़े हैं मगर इसमें बहुत पैसे आते हैं, ये तिजोरी है, बरसात होती है पैसे की। एक लाइन की उन्होंने बात बोली थी, ना वो मेरे को बिजनेस समझा पाए थे और ना ठीक तरीके से उस दिन मैं इस बिजनेस को समझ पाया था। मगर मैंने उनसे पूछा कि इस बिजनेस के बारे में और कौन बता सकता है, तो उन्होंने एक नाम बताया था, दिनाराम जी धोलिया। मुझे याद है मैं दिनाराम जी धोलिया के पास में पहली बार गया, वो मिले नहीं। 2 दिन बाद में जब दूसरी बार गया तो भी नहीं मिले, और जब मैं तीसरी बार गया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ आपके बारे में मैंने सुना है, आप आज से बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले जान लो। उन्होंने ठीक तरीके से तो प्लान नहीं बताया मगर इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ बातें बताई, और संयोग से शुरुआती दिनों के अंदर टीसी छाबड़ा जी अजमेर के अंदर रॉयल प्लाजा के अंदर एक सेमिनार में आए हुए थे, वहां पर मुझे दिनाराम जी लेके गए। 13 जनवरी 2001 को मैंने इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस को समझा, इस कंपनी के मालिक से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जाने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा था उसमें, उससे पहले जो किट थी उसमें 6 पैंटें थी। 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को मैंने बहुत उत्साह के साथ ज्वाइन किया, बहुत बड़े सपने बन गए थे, काम करना शुरू किया और जबरदस्त काम शुरू किया। 7,000 का जब मैंने पेट्रोल जलाया जिप्सी में तो मुझे पहले महीने का 732 रुपए का चेक आया तो बिल्कुल एकदम यूं निराश हो गया कि यह मजा नहीं आता इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं है और हर आदमी चाहे कितना ही वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित आदमी है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में
हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको मेरी आवाज आज क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार यस जरूर लिखें आप। दोस्तों 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में मैं बताना चाहूंगा कि समस्याएं कैसे आती है। इतना काम करने के बाद में जो पहला चेक 732 रुपए का आया था, मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे में दो क्वालिटी थी, एक तो घर से बाहर जाना और एक लोगों से बात करना। ये मैं पेस्टिसाइड कंपनी में था तो ये दोनों गुण मेरे में थे। और मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बेसिक छाबड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो पौधा तो आपने आज लगाया है, पौधे को थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ी मेहनत मांगेगा, उसके बाद में इसके फल देखना। उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, उस टाइम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और दोस्तों शुरू में जो हमारा नॉलेज नहीं होता है, जो हम लोगों को प्रेशर से ज्वाइन करवाते हैं, वहां पर बिजनेस ज्यादा नहीं आता है। हम अंदर से लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं कि इस बिजनेस में क्या है, काम कैसे करना होगा और क्या मिलने वाला है। और मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी की तो सोच ही होती है कि 5,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, तो 20,000 आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। लाखों के बारे में तो सोचना पॉसिबल भी नहीं होता है। मगर पहले मीटिंग के बाद में भी छाबड़ा जी ने मुझसे पूछा था कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हो। अंदर का दर्द था, किसान परिवार से था, गरीबी से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि यार पैसा हो तो शायद मैं बहुत चीजें ठीक कर सकता हूँ, वहां का इलाज बहुत बढ़िया करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस से 1,00,000 रुपए की इनकम चाहता हूँ। तो मुझे उस टाइम 2001 में बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि यार बहुत कम सोचते हो आप, इस बिजनेस के अंदर बड़ा सोचना और बड़ा करना कामयाबी का राज है। और दोस्तों 13 जनवरी 2001 को मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। मगर जब मैं कंपनी में जाके आया, जब मैं पहली बार कंपनी गया तो मैं थोड़ा सा निराश हुआ कि यार छोटा सा एक कमरा था, उसमें आदरणीय श्रीमान टीसी छाबड़ा जी बैठे थे, मात्र 3 लोगों का स्टाफ था। गौर साहब से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। मैं जब वहां से आया तो मैं बहुत पॉजिटिव होकर आया, मैंने मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, मेरा रिश्ता बन रहा है नेटवर्क के द्वारा। और वहां से मैंने काम करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर जब मैंने यहाँ पर रायसेनगर में काम करना शुरू किया तो 17 दिन मुझे मिलवाड़ा माल लाने के लिए जाना पड़ा। मैं जाता वहां से, एक रात मुझे जाने में लगती, एक रात मुझे आने में लगती। मैं रात को बैठ के जाता, दूसरे दिन सुबह वहां से बैठ के आता और शाम को माल लेके आता, और तीसरे दिन यहाँ पर माल खत्म हो जाता। तो 17 बार गया तो मुझे खुद को भी बड़ा अजीब लगने लग गया। मेरे जो चारों तरफ लोग थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा यार ये क्या काम देख लिया है, बहुत बढ़िया कंपनी के अंदर तुम बहुत बढ़िया सेल्स ऑफिसर थे, क्या लाइफ थी, ये कोई लाइफ है तुम्हारी? तो बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि जब शुरू के अंदर आप पौधा लगाते हो तो मेहनत ज्यादा करने की जरूरत होती है। और उन दिनों के अंदर दोस्तों मेहनत ही जुनून था। जो काम था वो इस तरीके का काम था कि ना नींद का पता था, ना भूख का पता था। और 1 महीने के अंदर 17 बार भीलवाड़ा जाके आना, माल लेके आना। बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि अब आप आया मत करो, यहाँ पर ड्राफ्ट बना करके उसकी कॉपी मुझे फैक्स कर दिया करो, हम माल यहाँ से भेज देंगे। तो मेरा रोज का आना जाना कम हुआ। शुरू के अंदर जो काम था वो बहुत ज्यादा था, परिणाम थे वो बहुत कम थे। शुरू में जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, इनकम थी वो बहुत थी, कम थी। मगर चूंकि नेटवर्क समझ में आ चुका था, मुझे पता चल चुका था कि आने वाली सदी का ये सबसे बड़ा बिजनेस होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इसको चिटफंड कंपनी मानते हैं। आज भी हम जब नेटवर्क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा वो जोड़ने वाला बिजनेस है क्या, मजाक करते हैं लोग। बहुत खूबसूरत बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत प्यारा बिजनेस है। जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। जिन लोगों ने 70-80 साल शुरू किया था पहले, उनकी आज तीसरी पीढ़ी इस बिजनेस के अंदर है। और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखें, उनका बिजनेस देखें, करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस है, करोड़ों रुपए की इनकम आती है। तो दोस्तों अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बिजनेस करना चाहिए। शुरू में प्रयास ज्यादा थे, रिजल्ट कम थे। यहां से मैं पहली बार जब आसाम गया था तो मुझे जाने जाने में 4 दिन लगे थे। बहुत ज्यादा परेशानी हुई वहां पर, लैंग्वेज को लेकर के परेशानी हुई, खाने को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी हुई वहां पर। और 3 बार मैं वहां पर गया तो 3री बार वहां पर जाकर के थोड़ा सा बिजनेस खड़ा हुआ। मेरे साथ में डीना चंदेल जी थे जो यारास्ता नागौर के हैं। और फिर धीरे धीरे वो 1 साल के अंदर बिजनेस वहां से बहुत बड़ा हुआ। तो शुरू में परेशानियां आएगी आपको, वो परेशानियां ही आपको निखारेगी, वो परेशानियां ही आपको, जैसे सोना अपने के बाद में कुंदन बनता है, वैसे ही आपके अंदर कई सारी चीजें आएगी। एक दिन में आप सीख नहीं सकते। जैसे आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाकर के आप देखते हैं कि यार ये काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। जैसे हर जगह आपको हरी बत्ती नहीं मिलती है, हर जगह आपको लाल बत्ती नहीं मिलती है। आपके प्रयास इसमें बड़े होने चाहिए।
इस बिजनेस को शुरू के एक साल मैंने बहुत जुनून के साथ में काम किया। मुझे पता है कि मैंने जब इसमें 7 महीने बाद में रॉयल्टी ली थी तो पहली बार मैं कार लेके आया था दोस्तों, मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ी बात थी वो, मेरे गांव में सबसे बड़ी बात थी। पहली बार जब मैं कार लेके आया था तो मैं 3 महीने तक बाहर रहता था। मैं कभी कभी घर पे आता था तो रात को 12 बजे आता था, सुबह 5 बजे निकल जाता था। तो जो मेरे बड़े ताऊ जी है वो बोलते थे कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कोई काम होता है, ऐसे कोई किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस होता है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने मेरे बड़े ताऊ जी को और मेरे पापा को बोला था कि 3 साल का टाइम चाहिए मुझे, 3 साल बाद में देखना क्या होने वाला है। और दोस्तों वाकई 3 साल बाद में चमत्कार हुआ इस बिजनेस के अंदर। 3 साल बाद में जो मेरी इनकम थी वो 1,17,000 रुपए पर मंथ की थी। काम करने में मजा आने लग गया था। और सबसे बड़ी चीज थी कि आप जैसे जैसे लोगों को खड़ा करते हो ना तो आपकी एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है। बीसी छापा जी कहते हैं क्या हुआ कुछ फूल गिरे तो मजा तो तब है जब पूरे चमन में बहार आएगी। जिंदगी के अंदर हर जगह 100% लोग कामयाब नहीं होते हैं। किसी भी स्कूल के अंदर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों की फर्स्ट डिवीजन नहीं आती है। जो बहुत अच्छे तरीके से 100% काम करते हैं, 100% फॉलोअर होते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। और ये हर जगह ये नियम लागू होता है। इस बिजनेस को आपने शुरू में ठीक तरीके से समझा, आने वाले दिनों को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो ये बिजनेस आपको चमत्कार दे सकता है। दोस्तों पिछले 20 सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ। जब मैंने शुरू किया था तब यहाँ पर फॉर्म भर करके हर महीने 30 तारीख को रात को भीलवाड़ा पहुंचना होता था। जब शुरू में इसके 3 प्रोडक्ट आए थे, पेस्ट आया था, नहाने की साबुन आई थी, कपड़े धोने की साबुन आई थी, तब वो जो प्रोडक्ट बिकता था तो उसमें एक रिसिप्ट होती थी, वो रिसिप्ट कंपनी में जमा होने के बाद में आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। शुरू के दिनों के अंदर मीटिंग लेने के लिए भी भीलवाड़ा जाना पड़ता था। शुरू के दिनों के अंदर प्लान देने वाले लोग भी हमारे पास में नहीं थे। शुरू में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पीसी छाबड़ा जी ने एक OHP दिया था और कुछ टीपी बना के दी थी और उस टीपी से उस ओवरहेड प्रोजेक्टर से बिजनेस के अंदर चमत्कार हुआ, बहुत बड़ी ऊंचाइयों का बिजनेस हुआ। दोस्तों जब भी आप कोई नई चीज को लेते हैं तो आपको सीखने के साथ में आपका उत्साह भी बहुत बड़ा होता है। 1 साल बाद में मैंने काम थोड़ा कम किया मगर मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। बीसी छाबड़ा जी की बात में मुझे आज भी याद है कि राजाराम एक दिन तुम्हारी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम्हारे खर्चे बहुत छोटे हो जाएंगे। मगर उन दिनों के अंदर मेरे खर्चे ही खर्चे थे, इनकम बहुत छोटी थी। आज दोस्तों 20 साल बाद में जब मैं बात करता हूँ तो इनकम आज जितनी होती है उसका 2% 5% भी पैसा खर्च नहीं होता है। हर महीने जो मेरे पोर्टफोलियो देखते हैं जयपुर के अंदर वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के ये तरीके हैं, यहाँ पैसे डालो आप। और दोस्तों आज जो इन्वेस्टमेंट किया है वो गजब का रिटर्न दे रहा है, चाहे वो खेती से हो, चाहे वो रेंट से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो। बहुत सारे सोर्स दिए दोस्तों इस बिजनेस ने, बहुत सारे इनकम दिए इस बिजनेस ने। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो अपनी कहानी बनाए अपने हाथों से। आत्म स्वाभिमान बनता है, उससे प्राउड फील होता है कि मैंने जिंदगी अंदर कुछ किया है। बीसी छाबड़ा जी की वो बात याद आती है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। दोस्तों इससे बढ़िया कोई जिंदगी में अवसर नहीं मिलेगा। जब भी आपको अवसर मिलते हैं तो उन अवसरों को आप कैश करें। ये इतना जोरदार अवसर आपको मिला है। आप हमेशा इस बिजनेस के बारे में नई नई चीजें सीखते रहे, नए नए स्टेशनों पर बात करते रहे, नई नई जगह आप जाते रहे। 20 सालों के दौरान मुझे इतना सीखने को मिला है, इतना इस बिजनेस से मैंने पाया है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। निवेदन ये करूंगा कि आप अगर इस बिजनेस में आए हैं ना तो कहीं ना कहीं अपने दिल अपने विवेक से इस बिजनेस को नई चीजें सीखे। जरूरी नहीं है जिस रास्ते से मैं गया हूँ वो रास्ता आपकी कामयाबी का हो। बहुत सारे लोग प्लान के परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के मामले में परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग मीटिंग देने के अंदर परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के मामले में परफेक्ट होते हैं। दोस्तों इन 20 सालों में बहुत कुछ दिया। मैं पहले इस गांव में रहता था, गांव से मैं रायसी नगर गया, रायसी नगर से मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मैं आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहता हूँ। और जिंदगी 180 डिग्री एंगल से घूम गई है। आज भी जब गांव में आता हूँ तो मजाक करने वाले लोग आज भी हैं, पर आज लोग मजाक नहीं करते हैं। आज वो ये कहते हैं कि यार हमारा बच्चा बेरोजगार है, अगर आपके बिजनेस में कहीं कोई जगह है तो देखना, आप उनको बिजनेस देने वाले बन सकते हैं। मैं एक बात से बड़ा प्रभावित होता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर सबसे जो अच्छी चीज है वो आपको नए नए स्टेशन जाने। आदमी से पूछा जाए तुम क्या चाहते हो तो कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मुझे पैसा चाहिए। आदमी चाहता है कि जिंदगी के अंदर आनंद हो, शांति हो, घूमना हो, नए दोस्त हो, नए रिलेशन हो, समय हो, पैसा हो, प्यार हो, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान केसी छाबड़ा जी की कंपनी की।
ऐसी कंपनी जिसके अंदर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हर परिस्थितियों में गाड़ी को आगे ले जाने में सक्षम हो। बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी मगर टीसी छाबड़ा जी जैसे आदमी नहीं मिलेंगे, जो हमेशा कहते हैं कि बिजनेस तो कभी भी बना लेंगे, पहले आपकी आदतें बननी चाहिए, पहले आप बनने चाहिए, पहले आपके रिलेशन बनने चाहिए, पहले आपका स्वास्थ्य बनना चाहिए। प्रोडक्ट भी लेके आते हैं तो इस तरीके से लेके आते हैं कि वो प्रोडक्ट आपको बहुत कुछ देके जाने वाले हैं। दोस्तों, मैं जब पहली बार टीसी छाबड़ा जी से मिला था जनवरी 2001 में, तो मुझे लगा था कि कहीं से भी कोई डेकोरम नहीं है, कहीं से भी कोई शो अप नहीं है, सिंपल सा एक व्यक्ति। उन्होंने बैठ करके जो 20 मिनट मेरे से बात की थी, तो मुझे लगा कि अब करना है तो आरसीएम ही करना है। आज हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, आज हम कंसर्न सिस्टम जो हमारी साथ में बहुत सारी कंपनी है ये उनकी बात करते हैं। वो सेम वैसी सोच की कंपनी है जैसे कंपनी टीसी छाबड़ा जी की सोच है। आप जब भी इस बिजनेस के अंदर आएंगे तो आपको इस बात का गर्व रहेगा हमेशा। जब भी आप आरसीएम वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो आपका अंदर से भाव, अंदर से जो आपका हृदय वो पुलकित होगा कि मैं बहुत अच्छी कंपनी से काम कर रहा हूँ। ये कोई दुकान से चलने वाली कंपनी नहीं है। आज कंपनी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखे जाए तो कम से कम 100 से ज्यादा डिपो खुद के हैं। आज कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट देखी जाए तो कम से कम 50 जगह कंपनी के नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। आज कंपनी के डिलीवरी सिस्टम को देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर गर्व करने वाली बात है कि हर गांव और हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील के पास में डिलीवरी सिस्टम है। हमारा प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम जितना मजबूत है आज की तारीख में, ये बहुत छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब भी कोई आदमी चुनाव करता है तो वो लीडर का चुनाव नहीं करता, वो कंपनी का चुनाव करता है। कंपनी के साथ में वो प्रोडक्ट का चुनाव करता है, प्रोडक्ट के चुनाव के साथ साथ में वो डिलीवरी सिस्टम का चुनाव करता है। ये सारी जब आदमी चीजें देखता है ना, तो वो कहता है कि इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती, इससे बढ़िया कोई बात और हो ही नहीं सकती है। श्रीमान टीसी छाबड़ा जी का जो विजन है ना, वो आज भारत सरकार लेके आई है। टीसी छाबड़ा जी ने आज से 20 साल पहले स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, इस तरह के उद्देश्यों के साथ में काम किया है। ये उद्देश्य सरकार को आज लेके आई है, नारी सशक्तिकरण। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जहां पर महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, जहां पर महिलाओं को आगे किया जाता है, जहां पर महिलाओं को सीखने का मौका दिया जाता है। किचन से निकल करके महिला स्टेज पे आ रही है। बहुत सारी महिलाओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि शादी के बाद में लग रहा था कि जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलेगा, मगर आश्रम के हमें आने के बाद में लगता है कि स्टेज का जो मेरा शौक था वो भी पूरा हुआ, घूमने का जो शौक था वो भी मेरा पूरा हुआ, और सबसे ज्यादा मुझे बोलने का शौक था वो भी मेरा पूरा हुआ। तो ये सारे उद्देश्य जो आज आप देख रहे हैं, ये 15 साल पहले 20 साल पहले ही श्रीमान टीसी छाबड़ा जी लेके आ चुके थे। मैं हमेशा इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर है वो टीसी छाबड़ा जी जैसे हैं, संत जैसे आदमी है। मेरे ख्याल के अंदर भीलवाड़ा के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा है, पर कहीं से भी पर्सनली आप उनसे मिलेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर से मिल रहे हैं। तो दूसरा जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कंपनी ये हिंदुस्तान के अंदर नंबर वन कंपनी थी और आने वाले समय में फिर नंबर वन बनने वाली है। उसके पीछे कारण है, भारत सरकार भी ये कह रही है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर सबसे तेज गति से कोई कंपनी बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बढ़ेगी। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री है वो बोल रहे हैं कि अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो टर्नओवर है वो मात्र 7,000 करोड़ का है, मगर आने वाले 4 साल बाद में ये 25,000 करोड़ का होने वाला है। दोस्तों, आज की परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की बनने वाली है। आज से 20 साल पहले जब भी मैं एसटीडी परफॉर्म करने के लिए जाता था तो वो तो लंबी लाइन होती थी और पैसे लोग डालते थे, वो पैसे देखता था, मैं लाइन देखता था। तो मेरे दिमाग में था कि मैं कभी भी अमीर बनूंगा तो मैं एसटीडी पीसीओ की दुकान खोलूंगा। आपकी क्या राय, खोली चाहिए या नहीं खोली चाहिए? क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है दोस्तों, अब एसटीडी की जरूरत नहीं है, अब मोबाइल लोगों के पास में आ चुके हैं। सही समय का आज के जो परिवेश के अंदर देखा जाए, आज के अंदर जो कोरोना की लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखा जाए तो आने वाले 1 साल के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा बूम करने वाली कोई अगर इंडस्ट्री होगी तो वो इंडस्ट्री होगी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कंपनी में हमेशा काम करना चाहिए जिस कंपनी की ग्रोथ 100% नहीं 1000% हो, और आप भाग्यशाली हो कि आप ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। आप भाग्यशाली हो कि आप ऐसी कंपनी के अंदर, आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो। आश्रम का जो आज सिस्टम है, बंद के दौरान भी पिछले 2 महीनों के अंदर सारे के सारे काम हो रहे हैं। मुझे गर्व हुआ इस बात, पहली बार कि 15 तारीख तक जितना बिजनेस आना चाहिए था वो बिजनेस इस बार 12 तारीख को ऑनलाइन शो हो गया था।
जहां पर पूरे के पूरे बिजनेस ध्वस्त है, वहां पर ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है, खास करके आज से बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है दोस्तों? मुस्कुराने की वजह है या नहीं? मुस्कुराते रहिए कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जहां पर सीखना भी है, नाचना भी है, गाना भी है, डांस भी है, पैसा भी है, प्यार भी है, घूमना फिरना भी है, सिक्योरिटी भी है। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर के दोस्तों मैं इसलिए बात करना चाहूंगा कि आज से 18-19 साल पहले एक बार ऑफिस शर्मा जी के साथ में मैंने काम शुरू किया था। तो शर्मा जी जयपुर से आए थे, गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था, कार लेके आए थे, कार रास्ते में कहीं मिट्टी में फंस गई थी, लेट आए थे, 3 बजे आए थे, पहली मीटिंग हुई थी, उसके बावजूद भी लूनकर्न सर के अंदर वो मीटिंग सक्सेस रही थी। और आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले ओपी शर्मा जी दुनिया में नहीं रहे। आज उनका जो बिजनेस है वो जीरो से शुरू नहीं करना पड़ा, उनके बेटे को 51 से शुरू करना पड़ा। आज उनकी जो पहली इनकम है वो 500 रुपए नहीं है, आज जो उनकी पहली इनकम है वो 22 लाख महीने से शुरू होती है। ये पीढ़ियों का बिजनेस है दोस्तों। मेरे अजीज मित्र, मेरे गुरु श्रीमान पीवी सिंह जी जो बिहार से है, यहाँ हरगोविंद पब्लिक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थे, जब मैंने उनको ज्वाइन करवाया तो वो नेटवर्क के बारे में थोड़ा जानते थे। पिछले 4 सालों से स्वास्थ्य ज्यादा ठीक ना होने की वजह से वो घर पे है, मगर उसके बावजूद भी उनका बिजनेस करोड़ों रुपए का जाता है और लाखों रुपए की इनकम उनको आज भी उनके घर पे आ रही है। मजेदार बात है या नहीं है? टाइम की यहाँ पर कमी नहीं है, पैसे की यहाँ पर कमी नहीं है, सिक्योरिटी की यहाँ पर कमी नहीं है। पिछले 20 सालों के दौरान बिजनेस कई बार अप डाउन हुआ, मगर चूंकि शुरू के अंदर में ये बताया गया था कि आप इस बिजनेस को 2 लेग पे करें, तो हमने 2 लेग पे किया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को आप मल्टी लेग भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी चाहिए तो आप डेफ्ट में काम करें 2 लेगों पर, और बड़ा पैसा चाहिए तो आप इसको मल्टी लेग पर भी काम करें। मल्टी लेग पर पैसा जम करके आता है, 1-1 साल के अंदर लोगों की इनकम देखिए मेरे 5-5 लाख रुपए की। तो आपके पास में मौका है, आपकी जो स्पीड है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। टाइम मनी सिक्योरिटी जो आज यहाँ पर है वो कहीं भी नहीं है। पहला जो एग्जांपल श्रीमान पीसी छाबड़ा जी ने मुझे दिया था, मैं जिस बात से इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वो बात मैं आपके सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा। छोटी सी बात है, हो सकता है किसी साथी की ये बात समझ में आ जाए। ये एक गाँव है और ये एक तालाब है। यहाँ पर इस गाँव के अंदर राम और श्याम दो भाई है। इन दोनों भाइयों को ये टेंडर मिला कि आप तालाब से गांव में पानी लेके आएंगे तो 1 रुपया आपको पर बाल्टी के हिसाब से मिलेगा। जो भी 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जानते हैं कि पहले गांवों में पाइपलाइन नहीं थी, पहले पानी ऐसे ही आता था। यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने काम करना शुरू किया। दोनों भाई बहुत खुश थे, बहुत बढ़िया काम मिला इनको, और धीरे धीरे इन्होंने बाल्टी लाना शुरू की। 1 रुपए की बाल्टी मिलती थी, दोनों के घर में इनकम बहुत बढ़िया थी। मगर कुछ लोग दूरदृष्टि होते हैं, कुछ लोग विजनरी होते हैं, समय से पहले, औरों से पहले और दूर तक जो देख ले वो विजनरी है। श्याम यहाँ पर थोड़ा विजनरी था, इसने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। यहाँ पर जैसे इसने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पागल भी कहते हैं, मजाक भी बनाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से निकलता था लाल टाई लगा करके, तो लोग मुझे करोड़पति बोलते थे कि देखो करोड़पति जा रहा है। मगर दोस्तों करोड़पति जा रहा है, उन दिनों के अंदर ये बात बहुत बुरी लगती थी। 20 साल बाद में आज करोड़पति नहीं, आज करोड़पति से बहुत दूर तक आगे है। श्याम ने जैसे ही गड्ढे खोदने शुरू किए तो बहुत सारे लोगों ने उसके बोला कि ये पागल है, ये गड्ढे खोद रहा है, ये ढंग के काम नहीं कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। मगर श्याम ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। आपको भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं, आपका तरीका ठीक नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपके कपड़े ठीक नहीं है, आपकी स्पीच ठीक नहीं है। लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी नजर के अंदर 2 प्रकार की दुनिया है। 1 प्रकार की दुनिया अंदर की है, 1 प्रकार की दुनिया बाहर की है। बाहर की दुनिया नेगेटिविटी की है, अंदर की दुनिया पॉजिटिविटी की है, सकारात्मक है। अंदर आप अपने आप के अंदर पॉजिटिव है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं मेरे विवेक से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और आप अपने अंदर भीतर अगर आपने कोई दुनिया बनाई है तो दुनिया बाहर बन जाती है। भीतर आपने अगर अपने आप को रॉयल्टी अचीवर माना है तो आप बाहर भी रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं। भीतर अगर आपने अपने आप को डायमंड स्टार माना है तो बाहर भी आप डायमंड स्टार बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर श्याम ने भी ठीक ऐसा ही काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने पागल बोला, बहुत सारे लोगों ने उसको कुछ बोला। वो 3 साल तक लगा रहा और गांव के अंदर ट्रॉन्टी लगाता है, ट्रॉन्टी लगा करके यहाँ पर चेयर लगा करके बैठ जाता है। 1 रुपए की जगह वो 10 पैसे के अंदर यहाँ पर पानी बेचता है। कितने में बेचता है? 10 पैसे पर बाल्टी पानी बेचता है।
राम पानी बेचता है 1 रुपए की बाल्टी, श्याम बेचता है 10 पैसे में बाल्टी। अमीर तो राम बनेगा, है ना? अमीर कौन बनेगा दोस्तों, क्योंकि 1 रुपए की बाल्टी बेच रहा है। नहीं दोस्तों, यहां पर ये बूढ़ा भी हो जाएगा, इसकी काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे इसकी बाल्टी भी कम हो जाएगी। जरूरी नहीं है इसका बच्चा ये काम करे। श्याम यहाँ पर बूढ़ा भी हो जाता है तो भी बाल्टी चलती रहेगी। श्याम यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहता है तो भी उसकी पाइपलाइन काम करती रहेगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए आपको मेहनत जोरदार करनी होगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए कभी कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कहूँ कि आपको 5 बेसिक पर काम करना चाहिए, मैं कहूँ कि आपको अपने डेस्क पे काम करना चाहिए, ये सारी चीजें सहायक है। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि शुरू के 3 सालों में सुबह 6 बजे आपको घर से निकलना है, और 3 साल लगातार निकलते हैं और रोजाना अपना आकलन करते हैं कि आज मैंने क्या किया, आज मेरा परिणाम क्या रहा। एनालाइज करें कि आज मैंने किस चीज का लेकर के टारगेट लिया। मुझे आज भी याद है 2001 के अंदर मार्च के अंदर मैंने टारगेट लिया था कि मैं इस महीने 500 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा, मगर दोस्तों मैंने 500 लोगों को तो ज्वाइन नहीं करवाया। पहले महीने की मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 159 लोगों की ज्वाइनिंग थी जो मेरे हाथ से थी। जब आप चांद सितारों को छूने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपके हाथ में एक चांद सितारा भी ना आए, मगर आपके हाथ कभी कीचड़ में नहीं जाएंगे और लोगों से आपका कद और बड़ा हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया है। आपकी ज्वाइनिंग, आपकी पाइपलाइन जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको और ज्यादा सिक्योरिटी मिलती रहेगी। इस बिजनेस में सिक्योरिटी बहुत बड़ा लेवल है। आप अगर अपनी सिक्योरिटी लाना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपल 2 काम है। हमेशा आप हम बुरे दिन कभी नहीं रहते दोस्तों, अच्छे दिन भी कभी भी नहीं रहते। मुझे आज भी याद है कि जब मैं घर से निकलता था तो जेब में पैसे कम होते थे और पेट्रोल का खर्चा ज्यादा था, मगर उन दिनों के अंदर भी हंसते हुए कहता था कि हे ईश्वर क्या आनंद है। आप बुरे दिनों के अंदर भी आनंद लेते हैं तो अच्छे दिन भी आ जाते हैं। इस बिजनेस के अंदर शुरू के अंदर आपको पैसा कम आएगा, मेहनत ज्यादा आएगी, मगर आपके प्रयास, आज प्रयास नहीं है दोस्तों, उन दिनों के अंदर प्रयास ज्यादा होते थे, उन दिनों के अंदर हाईवे नहीं थे, उन दिनों के अंदर बसें नहीं थी, उन दिनों के अंदर ट्रेनें और फ्लाइटें नहीं थी, उन दिनों के अंदर मोबाइल नहीं थे। आज आपको क्या काम करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, अपने आप को अपडेट करना है। जैसे जैसे आप अपडेट करते जाते हैं वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप राम बनना चाहेंगे या श्याम बनना चाहेंगे। अगर आप बहुत दूरदर्शी है तो आपको श्याम बनना चाहिए। सिंपल 2 काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। हर महीने प्रोडक्ट यूज करें। शुरुआती में जो नए साथी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि शुरुआती के अंदर प्रोडक्ट यूज करें जिससे आपका भीतर का विश्वास मजबूत बने। जब आपका भीतर का विश्वास मजबूत होगा प्रोडक्ट को लेकर के, तब जो आवाज निकलेगी वो लोगों के कानों में नहीं जाएगी, वो लोगों के दिलों में जाएगी। प्रोडक्ट धीरे धीरे जैसे यूज करना सीखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी, तो धीरे 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 प्रोडक्ट आप सेल करना भी सीखेंगे। पहला काम इसमें यह करना कि प्रोडक्ट यूज एंड सेल करना है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि पाइपलाइन बिछानी है। आप एक आदमी ज्वाइन करवाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 आदमी ज्वाइन करवाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी रेगुलर ज्वाइनिंग चलती रहनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर महीने 50 ज्वाइनिंग करवाओ। आप अगर 2 ज्वाइनिंग भी हर महीने करवाते हो ना तो भी दोस्तों ये मल्टीप्लाई का सिस्टम है। यहाँ पर हमारी जो सोच है वो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर 40,000 के बिजनेस को 70,000 करने पर दिमाग लगाया जाता है, 70,000 के बिजनेस को 1,15,000 करने पर दिमाग लगाया जाता है, मगर यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई होता है। 4 के बाद में 8 नहीं आता है, 4 के बाद में सीधा 16 आता है, 16 के बाद में 64 आता है, 64 के बाद में 128 आता है। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना चाहिए, आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका बिजनेस अगर 40,000 का है तो अगले महीने 4 लाख पर कैसे जाए, वो आपका विजन हो, वो आपका टारगेट हो, वो आपका लक्ष्य हो, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनता जाएगा। सबसे बड़ी चीज मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद में आपको अपनी अपलाइन के साथ में बहुत अच्छे गहरे से जुड़ना है। आपके अगर कोई अपलाइन है तो आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक जाएंगे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा, मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा बीसी साबा जी को, जो मेरे गुरु के रूप में, मेरे भाई के रूप में, मेरे सखा के रूप में, मेरे आदर्श पुरुष के रूप में वो मेरे साथ में रहे। समस्याएं तो शुरू में बहुत आई थी। 3 बार इस बिजनेस को मैं छोड़ चुका था, 3 बार जब बीसी जी से बात हुई तो वापस मैंने शुरू किया। आपके पास में ऐसा कोई कृष्ण होना चाहिए, आपके पास में ऐसा कोई राम होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखा पाए, आपके पास में ऐसा कोई रहीम होना चाहिए जो आपको रास्ता बता पाए। अप्लाई का मतलब होता है एक्टिव अप्लाई आपके पास में हो। मेरे और बीसी छाबड़ा जी के बीच में कम से कम सैकड़ों नहीं हजारों लोग थे, मगर मैंने उनको अप्लाई माना
और उनका नतीजा आज ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 26 राज्यों में ये बिजनेस है। कितने राज्यों में है? 26 राज्यों में। मैं हर जगह नहीं गया, मैं कुछ स्टेशन पर गया। मगर दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब आप नेटवर्क बनाते हो तो आपको डायरी मेंटेन करने की जरूरत है। आपके पर्स में कितने पैसे है ये तो आपको पता है, मगर आपकी टीम के अंदर कितने लीडर हैं जो टास्क के इक्के हैं, उन लोगों पर काम करने की जरूरत है। अपनी डायरी बनाएं, अपने 10 सेनापतियों के नाम लिखें। दोस्तों ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के लिए आपको लाइसेंस मिला हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने गांव, अपने डाणी, अपने टाउन हॉल को छोड़ना भी नहीं चाहते। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लाइसेंस बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग इसको क्या समझ नहीं पाते, आपको कितने पावर मिले हैं। 45% के पार्टनर है आप इस कंपनी के अंदर। जब भी आप आश्रम वर्ल्ड के अंदर जाते हैं ना, तो वहां जाने के बाद में आपको आनंद आता है कि यार क्या गजब की कंपनी है, क्या गजब का ऑफिस है। तो इसलिए हमेशा आप बाहर जाकर के देखें। बाहर एक ज्वाइनिंग गई है ना, वो ज्वाइनिंग 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग लाने का कारण बन सकता है। और अपने नजरिए को अगर जितना बड़ा करेंगे ना, उतना बड़ा बनता जाएगा। छोटी सी इच्छा शक्ति से बड़ी आग पैदा नहीं की जा सकती। छोटी से इच्छा शक्ति से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर आप जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो बड़ी आग की जरूरत है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर आप और बड़ा सोच सकते हैं, उतना बड़ा सोचिए और उतना बड़ा प्लान बनाइए। जिस दिन आपने प्लान बनाना शुरू कर लिया डायरी के अंदर, मैंने आज ये प्लान बनाया कि इन 2 महीने के अंदर, इन 3 महीने के अंदर मैंने टारगेट लिया था कि पिछले 2 महीने के अंदर लॉकडाउन के जब कुछ ऐसा काम करूंगा जो लंबे समय तक मुझे याद रहे। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले जिस दिन कंपनी शुरू होगी ना, उस दिन प्रोडक्ट डिलीवरी ठीक करूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने हर डिपो पर बात की है, जितने भी पिकअप सेंटर थे, जिनकी जितनी भी मेले आती है, रोजाना कम से कम 50 मेल मेरे पास में डिलीवरी सिस्टम को लेकर के आती है। मैं कंपनी से बात करके इसका डिलीवरी सिस्टम पर काम किया, मैंने पूरा दिन काम किया। और दोस्तों सुबह उठने के बाद मैं रोजाना 10 किलोमीटर घूमता हूँ पिछले 2 महीनों से। इससे फायदा ये हुआ कि कम से कम मेरा 4 किलो वेट लॉस हुआ, मेरा बॉडी का फिटनेस, बॉडी का टोन बहुत अच्छा हुआ, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल की बढ़ा हुआ था वो बहुत ठीक हुआ, मेरी कई चीजें जो ठीक नहीं थी उनको मैंने तुरंत ठीक किया। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो चीज बड़ी हो जाती है। आंदोलन के दौरान इस बिजनेस के अंदर आंदोलन के दौरान जब मैंने ब्लड दिया तो मुझे पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस बी है। वक्त साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि ये चीजें तो आप थोड़ा सा क्या दिनचर्या के अंदर चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज 8 साल बाद में हेपेटाइटिस बी 0 है। आप जिस चीज को फोकस करते हैं वो आप जीवन से ठीक हो जाती है। 55 साल की उम्र के अंदर भी आज मैं 2.5 किलोमीटर तेज दौड़ सकता हूँ। आप फोकस करें, अपने बिजनेस को लेकर के फोकस करें, अपने परिवार को लेकर के फोकस करें, पैसे को लेकर के कभी फोकस ना करें। पैसा तो आज इसमें कम नजर आ रहा है, आपको आने वाले दिनों में इतना पैसा आएगा जितना आप कभी संभाल ही नहीं पाएंगे। जैसे वक्त साहब बोलते थे कि हर महीने हमें कोई आदमी अलग से रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रेंट से पैसा अलग आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम अलग आ रही है, म्यूचुअल फंड से, हर प्रकार से पैसा इसमें आपको आने लग जाएगा। शुरू के दिनों के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखें, थोड़ा सा पर्सनालिटी मैनेजमेंट, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपका विवेक अपने आप करेगा। किसी आदमी के पास में जाते हैं, कोई आदमी ने आपको गलत बात बोली है तो आप उसके दरवाजे बंद मत करें, वो दरवाजे खुले रखें। 2 साल बाद 3 साल बाद वही आदमी आपको बुला करके आपसे पूछेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और उस दिन आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। ये जो समय अभी चल रहा है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें दोस्तों बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, मेरे गंगानगर के 2 मित्रों ने मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है, हनुमानगढ़ से ज्वाइन किया है, बीकानेर से ज्वाइन किया है, और हिंदुस्तान लीवर का जो CNF है जयपुर के अंदर, उन्होंने मेरे को फोन किया कि राजाराम जी आपके साथ काम करना है। तो आने वाले दिनों के तो बहुत बड़े व्यापारी भी आपके साथ में काम करने वाले हैं। बस अपने आप को थोड़ा सा इन परिस्थितियों के अंदर अपडेट करें। मुझे नहीं आता सोशल मीडिया पर बात करनी, मगर इन दिनों के अंदर मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रयास कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल भी मैंने अभी 3 दिन पहले बनाया है। व्हाट्सएप पर भी जितने पिकअप सेंटर की जो प्रॉब्लम आती है, मेल पे जो प्रॉब्लम आती है, फेसबुक पे जो कोई नई चीज मिलती है वो मैं टीम को शेयर करता हूँ, टीम से पर्सनली बात करता हूँ। रिलेशन लोगों के साथ कुछ ऐसे बनाए, नई चीज जब भी आई सबसे पहले उनको बताएं, मोटिवेट करें कि आपको इतने दिनों में ये काम करना है। 3-4 लीडर ऐसे हैं जो बोलते हैं मगर बोलने के बाद में वो काम करते हैं। जमाना दोस्तों काम का है, बात का नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ भी नहीं होगा। आप काम करके दिखाएंगे तो आपकी टीम के अंदर भी पहचान होगी, आपके परिवार में भी आपको पहचान होगी, कंपनी में भी आपको पहचान होगी। तो जमाना आप किस चीज का है? काम करने का है। रिलैक्स होकर के हंसते हुए काम करें, मजा आएगा, थोड़ा सा हौसला। दोस्तों शुरुआती दिनों के अंदर परेशानी हो सकती है, शुरुआती दिनों के अंदर थोड़ी समस्या आ सकती है, मगर समस्या इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको करना है। कपड़े बदलने में कोई परेशानी नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट खाने में कोई परेशानी नहीं है,
आज से पहले हम कहीं और से ले रहे थे, आज हम यहाँ से ले रहे हैं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, प्रोडक्ट आपको 100% यूज करना है। मैं अगर मेरे परिवार के अंदर 100% टाइम देता हूँ, 100% उनके प्रति आस्था रखता हूँ, तो परिवार भी मेरी पूरी मेरे प्रति 100% आस्था रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 7 साल से जय आर सी एम। एक बार मैं एक जगह गया, वहां पर एक साथी आया मेरे पास में, वो आकर के बोलता है कि सर आपको साथ में मुझे होटल में मिलना है। शाम को जब मैंने उसको होटल में बुलाया तो मैंने उसे पूछा कि बताओ भाई क्या समस्या है, कि सर 7 साल से काम कर रहा हूँ रॉयल्टी नहीं आई है। मैंने पूछा कि आपकी हर महीने की ज्वाइनिंग कितनी आती है, वो कहता सर ज्वाइनिंग तो पिछले 2-3 साल से एक भी नहीं आई है। मैं जब मैंने पूछा कि आपकी हर महीने की रिपर्चेज कितनी आती है, तो वो कहता सर कभी कभी चेक बनता है तो 100 रुपए का सामान खरीदता हूँ। दोस्तों ईमानदार से मैंने कहा कि आप कोई और काम कर सकते हैं। मैंने अच्छा कहा या उसको बुरा कहा, गलत कहा क्या मैंने? इस बिजनेस में दो ही काम करने होते हैं कि आप 100% प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को ज्वाइन करवाएं। सिंपल सी चीज है। इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, बिना पैसे वाला, कोई भी जाति का आदमी, किसी भी उम्र का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी, काला धोला गोरा कोई भी आदमी कर सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। बस इसके अंदर एक ही चीज है कि जो आप काम करते हैं उसको 100% करें। सिर्फ दो छोटे छोटे काम है कि आप इसमें 100% प्रोडक्ट यूज करें और अपनी पाइपलाइन को हमेशा बढ़ाते रहें। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें प्लान कैसे बताएं। प्लान मुश्किल नहीं है दोस्तों। प्लान सिंपल सा है कि यहाँ पर ये कंपनी है, यहाँ पर कस्टमर है, ये बहुत सारे मिडिलमैन है, जैसे CNF है, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंटर है या फिर रिटेलर है। ये सारे काउंटर मिलकर के कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ से 50 रुपए का चलता है तो ये वहां यहाँ पर वो 100 रुपए का बिकता है। ये 50 रुपए का जो मार्जिन है ये बीच में बिचौलियों को जाता है। जैसे ही आप कंपनी के पास में आते हो, कंपनी से जुड़ते हो, आपको एक बहुत बड़ा लाइसेंस मिलता है और कंपनी कहती है कि इन लोगों का काम नहीं है, ये पैसा लेना है 50% आपको, तो ये काम अब आपको करने हैं। ये यू है, ये यू अगर ये सारे काम करने लग जाए तो ये 50% पैसा, 45% पैसा इसको मिलना शुरू हो जाता है। और कैसे मिलता है? 32% पैसा इसको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, 8% पैसा इसको रॉयल्टी के रूप में मिलता है और 5% पैसा इसको टेक्निकल के रूप में मिलता है। टोटल इसके अंदर दोस्तों 45% पैसा मिलता है। ये इसका प्लान है। आपका जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतने का आपको पैसा मिलेगा। अभी मेरा 20 करोड़ का बिजनेस है, 20 करोड़ के बिजनेस में 45% कितना हो गया दोस्तों? 45% 4.5 लाख, 4.5 करोड़, 9 करोड़ रुपया आएगा। मजे की बात है, 9 करोड़ रुपये पूरी टीम के अंदर बंटने के बाद में कोई 12-13 लाख रुपए बचता है, वो मुझे मिलता है। दोस्तों प्लान मुश्किल है कि प्लान बहुत आसान है। बस सिंपल तरीके से आपको इस बिजनेस को सीखना है, आनंद में रहना है, हर परिस्थिति के अंदर आपको समाधान पर बात करनी है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमेशा समस्या ढूंढ के लेके आते हैं। मेरा पर्सनली उनसे निवेदन है कि समस्या मत ढूंढे आप। आप कोई भी प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आप अपने अपलाइन को मेल कर दे और भूल जाए आप। समाधान पर बात करने से रास्ते निकलते हैं हमेशा। समस्याएं तो जब तक ये जीवन है तब तक समस्याएं तो रहेगी रहेगी। ऋषि सावड़ा जी एक बात कहते हैं हमेशा कि इस दुनिया के अंदर समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, अगर आपका फोकस समाधान पे है तो रास्ते आपको मिल जाएंगे। पानी की जब नदी आती है तो दोस्तों वो अपने रास्ता बना लेती है, बहुत सारे उसके रास्ते के अंदर समस्याएं आती है, पर समस्याओं को रुकती नहीं है, समस्याओं को ठोकर मारती हुई आगे बढ़ती जाती है। आपको भी इस बिजनेस के अंदर ये छोटा सा प्लान है, जो काम करना है अपने विवेक से करें, अपने साथी से पूछ के करें। कोई भी नई चीज आपको बगैर पूछे, ऑनलाइन से बगैर पूछे आपको कभी भी नहीं करनी है। मुझे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं हट गया, हम बन गए सारे। यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लास्ट टेल के ऊपर जो अंतिम छोर पे बैठा है उसको भी वही चीज मिल रही है जो यहाँ पर आपको मिल रही है। तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम को लेके आए, अपडेट परिवर्तन हमेशा होते रहेंगे और परिवर्तन के हिसाब से अपने को अपडेट करते रहना चाहिए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का लिंक जितने भी ज्यादा आप अपनी टीम को देंगे उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं आज सुबह बीसी छावड़ा जी से बात कर रहा था तो वो बीसी जी बता रहे थे कि ये जो 5-10 हजार है ना, ये कुछ भी नहीं है, इस पर तो लाखों लोग आने वाले हैं। अभी हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बनने वाला है ये। यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिसमें सेकंड जनरेशन है उसके पास में माइक आने वाला है, सेकंड जनरेशन कोर ग्रुप में आने वाली है और वो दोस्तों टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं, नॉलेज से भरे हुए हैं, स्पीड से भरे हुए हैं। आज उनकी स्पीड देखे तो बहुत तेजी से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं।
जहाँ पर पहले रॉयल्टी 2 साल 3 साल 4 साल बाद में आती थी, वो रॉयल्टी आज 1 साल के अंदर आ रही है। जहाँ पर पहले लोग 1 लेग 2 लेगों पर काम करते थे, वहां पर आज मल्टी लेगों पर लोग काम कर रहे हैं। तो सेकंड जनरेशन अभी आ चुकी है, अम्बेसडर गाड़ियां हैं हम जैसे लोग, तो नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई गाड़ियां आ चुकी है। आप भाग्यशाली है कि आपको ये इतना बड़ा अच्छा सिस्टम, प्यारा सिस्टम मिला। जब भी आपको मौका मिले, आज नहीं तो 6 महीने बाद में, क्योंकि 6 महीने तक तो मुझे लगता नहीं है कि हम कहीं जा पाएंगे, तब तक हमें इस नए सिस्टम को स्वीकार करना चाहिए और अपनी पूरी टीम से हमेशा बात करनी चाहिए। डायरी के अंदर हमेशा अपने लक्ष्य लिखें, कौन कौन से लक्ष्य है। मुझे आज भी याद है, मेरे पास में पिछले 18 साल की डायरी है। हर डायरी को जब मैं बैठ के देखता हूँ तो जो जो मैंने टारगेट लिखे थे, चाहे वो कोई मेरे मकान के टारगेट हो, चाहे वो मेरे इन्वेस्टमेंट के टारगेट हो, चाहे वो मेरे कोई एग्रीकल्चर जमीन के टारगेट हो, चाहे वो कोई बच्चों के रिश्तों की बात के टारगेट हो, जब जब हर साल मैंने 1 जनवरी को टारगेट लिखे हैं, वो टारगेट उसी साल पूरे हुए। आप हमेशा टारगेट लिखें। टारगेट भी 3 प्रकार के होते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट आप अलग लिखें, मिडिल टर्म टारगेट आप अलग लिखें, शॉर्ट टर्म टारगेट आप अलग लिखें। इसमें आपको कितनी टीम के अंदर कितने लोगों को रोल्टियों पर लेके आना है, ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है। तो टारगेट लेकर के काम करें। जिन बिल्डिंगों के नक्शे पहले बन जाते हैं वो बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनती है, जिन बिल्डिंगों के नक्शे नहीं बनते वो बिल्डिंगें कभी अच्छी नहीं होती है। जिनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, जिनके लक्ष्य बहुत पहले बन जाते हैं, वो इस दुनिया के अंदर कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मुझे आज आपसे बात करते हुए आनंद आ रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब जो YouTube चैनल है मेरा उसके ऊपर भी मैं कुछ इस तरह की चीजें आपको समय समय पर देता रहूं। मगर उससे बड़ी बात यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, ये ठीक तरीके से खड़ा हो चुका है, पिछले 10 साल से 8 साल से काम कर रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने कमान अपने हाथ में ले ली। अभी मुकेश जी कोठारी इसके चेयरपर्सन है। नई नई चीजें रोज हमें सुनने को मिलती है। अब ये बिजनेस मैं से नहीं चलेगा, अब ये बिजनेस हमसे चलेगा। हम सब इकट्ठे होकर के अगर हिंदुस्तान के अंदर आशय को नंबर 1 पे लाना चाहते हैं तो दोस्तों जिंदगी में दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्राइसिस जब भी आती है अपॉर्चुनिटी तभी आती है। बुरे दौर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पैदा हुई, इतिहास गवाह है। आपके लिए ये धोखा है, ये मौका है, ये आप देखें। मैं ये कहना चाहूंगा कि समय को ना जाने दें, समय बहुत तेज गति से बीत रहा है। आज से 20 साल पहले मैं छोटा सा बच्चा था, 7 रॉयल्टी आई थी, 7 रॉयल्टियों में सबसे छोटा सा लड़का सबसे पीछे खड़ा था। ये 20 साल आपके साथ में हंसते खेलते कब बीते मुझे नहीं पता है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि आप रोजाना शाम को 4 से 5 बजे जो प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम को सीरियसली सुने। प्रोडक्ट की गहराई से जानकारी लेने के लिए मॉर्निंग के अंदर जो सेशन आता है उसको सुने। टाइम मैनेज करना होता है, टाइम किसी के पास में नहीं है। कुछ लोगों के पास में हमेशा एक ही बात होती है, टाइम नहीं है। कुछ लोगों के पास में इतने सारे काम होने के बावजूद भी इतने टाइम है। बहुत अच्छे लीडर आने वाले हैं अभी आने वाले दिनों के अंदर, और सेकंड जनरेशन आपको अगले 3 महीने में 6 महीने में देखने को मिलेगी। आग लगाने वाली जनरेशन है। उन जनरेशन के हाथ में माइक आएगा, उन जनरेशन के हाथ में जिस दिन कोर आएगा उस दिन देखना दोस्तों ये आशिम कहां जाने वाला है। आप तैयार हैं? कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में गुजर गई, बाकी जो बची वो गुनाहों में गुजर गई। एक रस्ते पे जो चलते रहे वो मंजिल को पा गए, जो रस्ते बदलते रहे उनकी रस्तों में कट गए। अच्छा लगा दोस्तों आपसे बात करके। कल फिर एक नए लीडर के साथ में आपकी मुलाकात होने वाली है। अभी बहुत सारे लीडर और आने वाले हैं। हमारे जो सीनियर लीडरों ने जो जो बातें बताई है, कौन सी बात आपका जीवन कब बदल दे ये आपको भी नहीं पता है, मगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त जा सकते हैं। जय आश्रम, धन्यवाद, नमस्कार।